हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्लीव डिज़ाइन, और ये जॉर्जेट का कपड़ा है, और इस पर मैं वेलवेट के डिज़ाइन लगा रही हूँ। स्क्वायर में काट रखे हैं मैंने, और नीचे ये मैंने पट्टी लगाई है। ये मैंने एक स्लीव तैयार कर ली है, मैं आपको दूसरी स्लीव पे तैयार करके बताऊँगी। ये देखिए, ये मैंने वेलवेट का डिज़ाइन पेस्ट कर लिया है पेपर पेस्टिंग पे, और ये मैंने लिया है 2.5 इंच चारों तरफ से 2.5 इंच लिया है, और हम इसको यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे त्रिकोण में रख के। ऐसा नहीं लगाएंगे हम इसे, ऐसे त्रिकोण में करके यहाँ पर लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 पीस लगाए हैं। और ये जो मैंने नीचे वाली पट्टी ली है, इसमें भी मैंने पेपर पेस्टिंग लगा रखी है, और ये 2 इंच का है। चलिए मैं आपको बताती हूँ करके। ये देखिए, ये मैंने दूसरी वाली स्लीव दे ली है, और मैंने इस तरह से इसको फोल्ड करके यहाँ पर बीच में प्रेस से एक क्रीज बैठा ली है, और इस क्रीज को बैठाने के बाद मैंने इसको सीधा किया, और सीधा करने के बाद मैंने यहाँ पर चौक से लाइन बना लिए, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे किस लंबाई के हिसाब से सीध में लेके जाने हैं इन स्क्वायर्स को। अब मैं इन स्क्वायर्स को ऐसे लगाऊंगी। ये देखिए, ऐसे फोल्ड करो, इधर से ऐसे फोल्ड किया, और हम इसे यहाँ पर लगाकर पिन से टक कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, चलिए अब मैं आपको इसको सीकर बताती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर पिन लगा लिया था, और अब मैं इसको यहाँ पर इस तरह से मोड़ के दोनों साइडों से, और ये जो निशान है हमारा यहाँ पर, इसके ऊपर मैं इसको ऐसे रख लूँगी। ये देखिए, ये कपड़ा नीचे वाला थोड़ा हिल रहा है, तो इसकी वजह से पहले मैं इसमें सुई लगा लूँगी, फिर इसको घुमाऊँगी। ये देखिए, इधर से भी मोड़ लूँगी मैं हाथों हाथ, फिर यहाँ पर सिलाई लाकर, और ये ध्यान रखेंगे कि ये जो त्रिकोण का पीस है वो यहाँ पर ही आए लाइन पर, हमारे अपने आप एडजस्ट कर जब आप इसको बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा आप किस तरह से बनाएंगे। लेकिन मानिए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, मैंने ये दो साइडों से लगा दी है सिलाई। अब ये लास्ट की दो साइड बची हैं, इनको भी हम इस तरह से मोड़ लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, बहुत इजी है। जब आप बनाएंगे तो बस बनाते ही चले जाएंगे। एक में लगता है हमें थोड़ा बहुत टाइम, फिर बाद में हमें थोड़ा हो जाता है, तो फिर हम अपने आप ही लगा सकते हैं इनको। मैं पिन से अंदर कर रही हूँ क्योंकि शैनिल है। Thank you.
ये देखिए मैंने यहाँ पर ये पीस लगा दिया है, मैं इसमें से पिन निकाल लूँगी और इसी तरह से मैं यहाँ पर ये 6 पीस लगा लूँगी पिन लगा लगा के। ये देखिए मैंने बाकी के पीस भी लगा लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ 3 पीस भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छे लगेंगे। आप अपने फैब्रिक के हिसाब से कि आपका कितना कपड़ा होगा उसके हिसाब से लगाएं। देखिए ये स्टीन कितनी प्यारी लग रही है और सिलने के बाद ये और भी प्यारी लगेगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नई वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।